गुजरात गवर्नमेंट में आदरणीय सीएम साहब भूपेंद्र पटेल साहब की अध्यक्षता में और जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, वो मार्गदर्शन के नीचे आज हमने 6 से 8 तक भगवत गीता का श्लोक और विचारधारा पढ़ाने का फैसला किया। जातीय शिक्षा नीति 2020 अधीने गुजरात परवर्ती नतून शिक्षा वर्ष থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে ভাগবত গীতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এবার থেকে গুজরাটের শিক্ষার্থীদের গীতা পাঠ শেখানো হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী প্রফুল পানসেরিয়া সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জীবনের মূল্যবোধের পাঠ শেখায় গীতা, তাই এই বইটিকে অধ্যয়নে অন্তর্ভুক্ত করে শিশুদের মধ্যে জীবনের মূল্যবোধ এবং কর্মের নীতিগুলিকে শক্তিশালী করাই মূল লক্ষ্য। এর জন্য সিলেবাস প্রস্তুত হয়ে গেছে বলে জানান গুজরাটের শিক্ষামন্ত্রী। আদরণীয় সিএম সাহেব ভূপেন্দ্র পটেল সাহেব কি অধ্যক্ষতা মে और जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, वो मार्गदर्शन के नीचे आज हमने 6 से 8 तक भगवत गीता का श्लोक और विचारधारा पढ़ाने का फैसला किया और पूरा सिलेबस भी तैयार हो चुका है और आज उसका लॉन्च किया। 9वीं और 10वीं कक्षा का भाग दूसरा और 11 और 12 का भाग तीसरा, पूरी गीता कर्मयोग भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीनों योग का जो समन्वय करके 3 पार्ट में 6 से लेकर 12 तक ये गीता का विचारों बाल मानस और युवा वय तक पहुंचाने का एक भगीरथ प्रयास है। मुझे विश्वास है जो हमने ऋषि मुनियों और भगवान की ये वाणी गीता जनमानस तक पहुंचेगी तो शांति सद्भावना प्रेम करुणा और भारत में युवाओं कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब जो प्रयत्न कर रहे और उसकी इच्छा ये है कि एक बने श्रेष्ठ बने, तो ये गीता एक ही ऐसा माध्यम है जो विचारों के साथ पूरी दुनिया में जीवन जीने की एक पद्धति है गीता। और गीता में सद्भावना है, स्थित प्रज्ञता है, धैर्य है, निष्ठा है, सत्यता है, सातत्यता है, सब कुछ गीता में है। और जो कर्म का सिद्धांत है वो भी गीता में है। तो ये पढ़ने के बाद मनुष्य जीवन मन से शांति प्राप्त करता है। हार जीत कुछ नहीं है, गीता कहती है मन की इच्छा पर जीत हुई असली जीत है। ये पढ़ाने के लिए आज हम लॉन्च करके मैं शिक्षा मंत्री के नाते गर्व लेता हूँ और आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी का आभार मानता हूँ कि उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया और सजेशन किया, इस तरह हम पूरे गुजरात में ये सिलेबस नया सत्र से लागू करने जा रहे हैं।